पहली मरतबा कॉमनवेल्थ गेम्स पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फास्टेस्ट मैन हूँ, 100-200 दोनों रिकॉर्ड है मेरे। मेरे कोच साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरे पे, आज इस मुकाम पे हूँ अपने अल्लाह ताला की वजह से और अपने कोच की मेहनत की वजह से और अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से और पाकिस्तानी अवाम की वजह से इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। हॉकी के हवाले से बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के सफर का ऑलमोस्ट इख्तिताम हो गया है, क्लासिफिकेशन मैच पाकिस्तान को आखिरी खेलना है, कल ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त हुई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मैंने आपको कल कहा था ना कि नंबर वन से हमारा मुकाबला हॉकी में कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया तो स्कॉटलैंड को इतने बड़े मार्जिन से हराया था। मैंने आपको वार्न कर दिया था, किया था ना मैंने आपको वार्न, तो हुआ वही। पाकिस्तान वैसे तो आपको पता ही है मेडल्स की दौड़ से आउट हो गया है। आज पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बुरा दिन, कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और हमारे 11 खिलाड़ी एक गोल ना कर सके, जबकि कैंगरूज ने 60 मिनट में 7 गोल कर दिए। इस प्रोग्राम में शुरुआत हम जाइए दोस्तों, चलिए आज देखते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। जहां पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर अपना आंसू बहा रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी मीडिया टीवी बैठकर अपना छाती पीट रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया टीवी पे इसलिए छाती पीट के रो रही है क्योंकि पाकिस्तानी हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर से ऐसे लात मारकर बाहर निकाल दिया जैसे 5 अगस्त 2019 को यानी कल के दिन ही इंडिया ने कश्मीर से 370 हटाकर पाकिस्तान को लात मारा था। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम पे तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना एवं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये पाकिस्तानी मीडिया जिसका नाम फिजाकवर खान है 5 अगस्त 2019 को याद करके फिर से कल एक बार रोने लगी और कश्मीर की राग अलापने लगी है। यानी भारत पहले भी कश्मीरियों का इस्तेमाल करता आया और 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद मोदी जैसा जुनूनी शख्स अब कश्मीरियों पर मजीद जिंदगी तंग किए हुए। अच्छा नाज़रीन, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ इजहार एकजहती भी किया जा रहा है। आज ही के दिन मोदी ने मकबूजा आबादी की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, यानी रियासत का दर्जा छीना और मकबूजा कश्मीर का अलहदा परचम भी उतार लिया गया। मकबूजा कश्मीर में जो जिंदगी हैं लोगों की, उनको रिमोट कंट्रोल बना लिया गया, उन्हें उनके घरों में बंद कर दिया गया। और आज यौम इस्तेसाल पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है और भारत के उस गैर आईनी इकदाम पर भारत के अंदर और भारत के बाहर से आवाजें उठ रही। दोस्तों जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए खाना नहीं है उसे कश्मीर चाहिए और जिस पाकिस्तान के पास कोच को देने के लिए पैसे नहीं है उसे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड चाहिए। दोस्तों ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच को देने के लिए पाकिस्तान के पास फंड नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच है वो जापान के हॉकी टीम के मैनेजिंग कोच रह चुके हैं। मुझे तो एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि जब इन पाकिस्तानी के पास खाने को पैसे नहीं है तो इतने महंगे विदेशी कोच क्यों हायर कर लेते हैं और उस विदेशी कोच का सैलरी कर पाकिस्तान अपना इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों करवा लेता है। दोस्तों आगे इस वीडियो में देखिए कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी हॉकी टीम और पूरे पाकिस्तान का मजाक बना रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़ा लैक किया पाकिस्तान टीम ने और टीम को मोरल मिलना चाहिए, ऊपर आना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े मार्जिन से आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आ रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप टीम से हार रहे हैं 4-1 से 7-0 से टेनिस स्कोर हो रहा है यहाँ पे, तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ की मैनेजमेंट जो है, वहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। वो आपने ऑफिशियल की बात की, मैनेजमेंट की बात की, जो हॉकी टीम के कोच हैं एक्मैन, उनका एक इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं पत्थर के दौर में आ गया हूँ, यहाँ खिलाड़ियों को पैसे देने के लिए नहीं है, मेरी सैलरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नहीं दी है, तो क्या कहेंगे इस तरह? यही भाई, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गवर्नमेंट अगर चाहे कि आप हमारे अपने ओलंपियंस हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे मास्टर कोच हैं, कमर इब्राहिम है, ताहिर जमान है, आप कहते हैं हम रोते रहते हैं कि जब भी हम चैनल्स में बैठते हैं कि गवर्नमेंट हमें सहारा नहीं दे रही, गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही, तो आप गोरे को उठा के आप 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, आप इवन अपने लोकल ओलंपियन जो है मास्टर कोच हैं उनको आप कोचिस में लगाएं, टीम का रिजल्ट तो वही आना है। अब आगे की इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए कैसे पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच कह रहे हैं कि उसे कई महीनों से पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन टीम की तरफ से कोई पैसा नहीं, कोई सैलरी नहीं मिला है। अब आप ही बताइए, पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच को पैसे और सैलरी तो देते नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तानी हॉकी टीम मैच हारता है तो सारा इल्जाम इस बेचारे हॉकी टीम के कोच पे लगा देते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए जापान से आए हुए इस पाकिस्तानी कोच का क्या कहना है पाकिस्तानी हॉकी टीम और पाकिस्तान के बारे में। On the other hand, players also, they didn't get the money for months. I still waiting on salary. So, those things are always there. But yeah.
I am still waiting on salary and the players have not got their money. Heather, बड़ी मतलब ये बड़े दुखे की बात है कि एक इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हैं. शायद उससे पहले होता है कि ठीक है अकोमोडेट कर दिया जाए, बट प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही, कोच को सैलरी नहीं मिल रही. ये तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान हॉकी. बिल्कुल सवेरा ये दान बिल्कुल आप सही कह रहे हो. मैंने सारी चीज़ें इसको देखी हैं और मैंने उसी पर काम कर रहा हूँ कि किसके कितने वाजिबात हैं वो करना है. और दूसरा जहाँ तक एक्मेन का ताल्लुक है, एक्मेन को जो सैलरी देना है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने देना है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एक्मेन को जो भी पैसे दिए हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दिए हैं. और अभी मैंने आते ही खत लिख दिया था पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को. देखिए, हमने कहा कि उसको परेशानी ना हो, एक्मेन को उसका तो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो है अपने ऊपर लिया था कि हमने उसको करना है, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर भी रहा है. लेकिन अभी पता नहीं किस वजह से जो है अभी तक नहीं आई, और हम पता नहीं कितने हजार यूरो हम उसको दे चुके हैं. और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एग्जाम है बिगड़े खाली सजाद कोकर का, जो उसने उन्होंने जो है उसको प्रॉब्लम में नहीं आने दिया. और जो जो प्रॉब्लम जो एक्मैन ने बोली है वो हमारा काम है कि उसको हम सॉल्व करें. जैसे उसने मल्टीपल वीजे की बात करी और दूसरी चीज़ों की उसने बात करी, तो हम आपको फैसिलिटीज तो आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के पास क्या है. सिंध गवर्नमेंट के अलावा कौन पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए क्वालिफाई किया है. शजर, बहुत शुक्रिया आपको जियो न्यूज को वक्त देने का. सबसे पहले ये बताइए कि 200 मीटर रेस में आपने पहली पोजीशन हासिल किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े इवेंट में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया. फर्स्ट बिग कॉम्पिटिशन था तो क्वालिफाई कर गया हूँ सेमीफाइनल के लिए. बहुत खुशी की बात है और मेरी पाकिस्तान वाम से अपील है कि मेरे लिए दुआ करें, मैं फाइनल तक इंशाल्लाह पहुंचूं, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करूं. मेरे दोस्तों, अभी पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान के पास ठीक से खाने के लिए खाना नहीं है. मैं पाकिस्तान के उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास एवं मिडिल क्लास से नीचे रह रहे हैं. उनके पास तो बिल्कुल भी खाने को पैसे नहीं है. डॉलर पाकिस्तान में इतने यानी 200 के पार हो चुके हैं. वहीं पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि पाकिस्तानी गरीब लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है. पाकिस्तान के अंदर आटा और चावल 200 रुपये केजी के आसपास बिक रहा है. लेकिन इन सबसे पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है. पाकिस्तान के पास खिलाड़ी एवं कोच को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए. उसी तरह पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी उसे कश्मीर चाहिए. इस कश्मीर की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी कश्मीर का राग अलापना नहीं भूलता है. आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग एवं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तानी आवाम से वोट लेकर कश्मीर के नाम पे जीतते हैं और वहां से पाकिस्तानी आवाम का पैसा लेकर विदेश फरार हो जाते हैं. इसी की वजह से पाकिस्तान अब कंगाल हो चुका है और खाने के लिए बहुत सारे देश के पास हाथ अपना फैलाते रहता है. लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेना नहीं भूलता है, क्योंकि कश्मीर के नाम पे ही पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग एवं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तानी आवाम से पैसे लूटते हैं. दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.